इसका नाम है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड नाम है और झारखंड नाम से जो भी है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, तो राज्य सरकार को हम दोषी मानते हैं। कानून इम्प्लीमेंट हुआ है तो दिखाइए, अगर कानून कहीं प्रभावी रूप से चालू है या फिर किसी के ऊपर लागू है तो दिखाइए। ये हवा हवाई बातें हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए ईडी की कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बिरंची नारायण है, माननीय बिरंची जी, जिनका 500 करोड़ का सुने को अस्पताल है। भारतीय जनता पार्टी से अमर बावरी जी हैं, जो 1 करोड़ में लेके मंत्री पद बने थे, उसके बाद कितने कमाई किए हैं। इसी पार्टी से माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी हैं, इसी पार्टी से माननीय राज सिन्हा जी हैं। कहे भाई ये लोग दूध के धुले हैं क्या? तो ईडी को लोकतंत्र में आस्था बना चाहिए जनता का, इसलिए बीजेपी के पास भी दस्तक देनी चाहिए। देखिए झारखंड में ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं मैंने एक बायस्ड होकर काम कर रही है। जन प्रतिनिधि के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे आप, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? रोज सुबह आके जाइए, कभी घर इंटरव्यू लेने आइए, दिखाएंगे। इतना ऊंचा हो गया है खाली जमीन विवाद का कागज, क्या कहेंगे? क्या ये जहर हम अपने आप से लेके नहीं आए हैं? ये जहर वातावरण में मिला है, झारखंड के वातावरण में लोगों ने मिलाया है जहर। ये हम घर से नहीं लेके आए हैं, हम भी एक पढ़ने वाला छात्र थे, आज भी छात्र हैं। मेरे 2 साल पहले के भाषणों को सुनिए, हम तार्किक बात करते थे, हम बकायदा स्कूल में क्लास लेते थे, हम संविधान की बात करते थे, उनको फॉर्मूला से समझाते थे, पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे। 2 सालों में ये वातावरण में इन्होंने जो जहर मिलाया है वही हमारे भीतर है। आज अगर हम जहाँ सोते हैं इतना ऊपर दोनों तरफ ऊंचाई हो चुका है जमीन विवाद का, किनके कारण? इन भ्रष्ट नेताओं के कारण, इन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के कारण। तो जाहिर सी बात हो, गुस्सा फूटेगा ही, चाहे मेरी हत्या हो, मेरा कत्ल हो, या फिर हमें काट दिया जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए, जब तक जिंदा है मेरी जो कलेजे में जो आवाज है, जो विस्फान हमने 2 साल से किया है, वो विस्फान धधकेगी। ये धनबाद जो लोकसभा है उसमें इरफान ना जी, रिजवान का नाम। आप लोग बाला बात, हम मीडिया वालों को बड़ा एकेडमिक मानते हैं, आप अगर यहाँ के कंफ्यूज कीजिएगा, सवाल को लेकर कंफ्यूज कीजिएगा तो आप बताइए। नहीं, आपको सवाल को लेकर पहले से परफेक्ट होना होगा। देखिए रिजवान जी नाम आया है, कल और किन्हीं का भी नाम आएगा, आना चाहिए, स्वागत है, ऐसा बात नहीं। जब हमारे साथ है तो उनमें भी योग्यता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे आपने नाम लिया, लेकिन सवाल ये है कि जो जिनका आपने नाम लिया उनके साथ हम लोग बैठेंगे, उनकी क्या इच्छा है, क्या इतने बड़े मैंने चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं, लोगों पर हम लोग राय शुमारी करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। चुनाव के लिए अभी बहुत सारे नाम आएंगे और सबका हम लोग सम्मान करते हैं, और जी हाँ, जब नाम आया तो उन तक हम लोग इस पर बात करेंगे, अगर सहमति होगी तो सोचा जाएगा। अरे हमारी अभी गिरिडीह में सब राय शुमारी करेंगे, हो सके गिरिडीह से दिवेश जी आते हैं, ये भी 2 साल से है, ये भी तो दावेदारी कर सकते हैं, क्यों ना करें, इनका सम्मान करना होगा। गिरिडीह से हमारे देव महतो आते हैं, भले यूट्यूबर हैं लेकिन टिकट की दावेदारी में भी आ सकते हैं, 2 साल से हैं। गिरिडीह से शिवा हैं, गिरिडीह से अनिल है, गिरिडीह से अशोक है, सब तो गिरिडीह से हैं, तो उनको भी बुलाया जाएगा, सबकी भावना का सम्मान किया जाएगा, राय शुमारी होगी, थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे, राय शुमारी के बाद जो लीडर आएगा वह सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। अच्छा दादा, कोते पिछड़ा सब लोग संगे आनबी ना, एक दो छाड़ी देवे ककरो ना छाड़ भाई, थोड़ी निश्चिंत रहो, सबके संगे ले के आन के लोकसभा में बहुत जोरदार विस्फोट होने के प्लानिंग है। नहीं, हमने प्रयास किया था, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, धनबाद से हमने लगभग गोपनीय मीटिंग बुलाए थे, लेकिन वहाँ राजकुमारी नहीं बन पाई, क्योंकि देखिए एक सोशल मीडिया होता है ना, हम लोग सोशल मीडिया में किसी को एमपी को उम्मीदवार मान लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाकर चर्चा करते हैं तो वो उस मापदंड पर नहीं उतरते हैं, तो इसीलिए अभी डिले हुआ है। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे उम्मीदवार जो हों उनको जनता सपोर्ट करे, अगर सोशल मीडिया में भी कोई बात नहीं, उनके लिए ग्राउंड बनाए तो ऐसा माहौल उत्पन्न होगा, टिकट की उम्मीदवारी और घोषणा हो जाएगा।